नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हो उभरता झारखंड। दोस्तों, 6 अप्रैल को अमित महतो के द्वारा एक पार्टी का गठन हुई है, शायद आप सबको पता है, और इसके बारे में विस्तार जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी खतियानी झारखंडी पार्टी के गठन करने की, उससे क्या है। सबसे पहले अध्यक्षता अमित महतो को बनाया गया है और इसका महासचिव गीता श्रीवड़ा को बनाई गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर झारखंडी हितों के लिए, झारखंडियों के लिए खतियानी पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से आप सब देखते हैं हमारे झारखंड के अंदर में, जब से चुनाव सत्ता पे घोषणा की है हेमंत सोरेन कि 1932 खतियान लाएंगे, जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम 1932 के खतियान को आधार मान करके हम झारखंडियों के लिए एक नियोजन नीति निर्धारित करेंगे, ये उसका मानना था। और जब विधानसभा में इस बात को चर्चा करने के बजाय उलुल जुलुल बात चर्चा की, और जिसकी वजह से अनन पनन में झारखंड की पूरा सियासत डोलने लगी, झारखंड की कोने कोने डोलने लगी, और जिससे दे करके अमित महतो 6 अप्रैल 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया, एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम है खतियानी झारखंडी पार्टी, झारखंडी खतियानी पार्टी। आज ये पार्टी खतियानी आधारित, जिसने भी जमीनी मामला, जाहिर सी बात है ये खतियानी आधारित ये काम करेगी। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसका कहना था कि जब हमारे झारखंड शांति अमन चैन जीने लायक है झारखंडी, और इससे हित के लिए, इसके झारखंडियों के लिए जब कोई किसी तरह का काम नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अमित महतो को लगता है कि हमें एक नए झारखंडी की पार्टी, एक नया पार्टी की गठन करनी चाहिए। और इससे ही विधायक क्लब में, जिस तरह से विधानसभा प्रांगण में आप सब जानते हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी गठन होने के बाद खतियानी झारखंड पार्टी का एक स्वरूप किया गया। और जब भी हम देखते हैं कि झारखंड में अंदर में या फिर किसी तरह की जमीनी विवाद से जुड़ी है ये खतियान, और खतियान आधारित हमारे झारखंड की पहचानी है, और इसी के आधार से ही अमित महतो द्वारा ये पार्टी का गठन किया गया। और आज की तारीख में जिस तरह से 1932 के खतियान को जिस झारखंड में आज उलान हो रही है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि झारखंडियों के साथ ये छल और अव्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। और जितने भी हमारे झारखंड की स्थिति ऐसा क्यों बनी है, आखिर झारखंडी खतियानी झारखंडी पार्टी की उद्घाटन या फिर बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि झारखंड के हित के लिए जितने भी हमारे झारखंड के अंदर में राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इस पर भरोसा उठ चुका है अमित महतो का। जाहिर सी बात है, क्योंकि अपनी सरकार, जिस तरह से आपने देखा होगा जेएमएम की सरकार में थी कुछ साल पहले, आपने देखा होगा इस्तीफा दे दिए है, और इस्तीफा देने का मतलब यही है कि उस सरकार से विश्वास उठ गया है, विश्वास उठ गया है। आखिर खतियानी झारखंडी खतियानी झारखंड पार्टी क्या कुछ काम करने वाली है। जब भी हम देखते हैं कि सिर्फ 1932 खतियान सिर्फ सीमित नहीं है, उसका मकसद सिर्फ 1932 खतियान को आधार बनाना सिर्फ सीमित नहीं है, जहाँ तक हमें लगता है कि झारखंड के अंदर में जितने भी खतियानी आधारित जमीन विवाद काय तरह की मामला है हमारे झारखंड के अंदर में। आज झारखंड 21 साल हो गया है, और भारत की बात करें तो 75 हो गया है, लेकिन इतने मामलाए हैं हमारे झारखंड के अंदर में, जमीन को इतनी खोखले कर चुके हैं लोग कि आज देख करके आपके आंखों पे आंसू आएगी, सच बताऊं तो। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, और क्या कारण हो सकती है जिसे हमारे झारखंड के अंदर में इतनी धड़ल्ले से जमीन विवाद बढ़ती जा रही है, क्या आप सब जानते हैं। आप सबको जानकर के ये खुशी होगी कि हमारे झारखंड के अंदर में 1908 है टेनेंसी एक्ट, कहीं ना कहीं टेनेंसी एक्ट 25वीं अनुसूची ये सबसे बड़ी महत्व देती है हमारे झारखंड की जमीन विवादों को सुलझाने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें लगता है आज तक हमारे झारखंड की जितनी भी पार्टियाँ हैं, 25वीं अनुसूची की चर्चा नहीं की जाती है विधानसभा में, 25वीं अनुसूची की चर्चा नहीं की जाती है, 1908 की चर्चा नहीं की जाती है। यदि हम 25वीं अनुसूची को, 1908 को, तमाम पेशा एक, तमाम स्थानीय नीति हमारे पास है, विल्किंसन रूल, तमाम एसपीटी एक्ट है, तमाम चीज़ें हैं, यही चीज़ों को अगर हम आधार बना के, यही चीज़ों को हम बारीकी से अगर अनुपालन करते हैं, बारीकी से अगर हम इसको लागू करने की प्रयास करते हैं, बारीकी से हम लोगों के प्रति बातों को, अपने जागरूक प्रति हम शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लोगों का इस तरह का चल कभी नहीं होगी। क्योंकि जब 1908 में जब अंग्रेजों ने जिस पद्धति को, जिस सिद्धांत को हम लोगों को दिया, ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी, इस झारखंड की निवासी लोगों के लिए फायदेमंद है। और फायदेमंद इसलिए है क्योंकि जमीन विवाद रोकने के लिए ही ये 1908 बनाया गया है। और आज जिस तरह से झारखंड के अंदर में 1908 का पालन नहीं किया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम 25वीं अनुसूची का पालन नहीं करते हैं। 25वीं अनुसूची के बारे में आज लोग नहीं जानते हैं, 1908 के बारे में लोग नहीं जानते हैं,
पेशा कानून के बारे में नहीं जानते हैं, SPT के बारे में नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं अनजाने की वजह से ये चीज़ें हमारे झारखंड के अंदर में जमीन विवाद धल्लड़ से मामला सामने आ रही है। लेकिन मैं तमाम अगुवाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, तमाम तत्यानी झारखंड पार्टी के अगुवाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि विनती करता हूँ, जब तक यदि आप झारखंड के अंदर में जमीन विवाद को अगर आप सुलझाना चाहते हैं, यदि सच में हमारी झारखंडी पार्टी, जो खतियानी झारखंडी पार्टी झारखंड के अंदर में जमीन विवादों को अगर सुलझाना चाहती है, खतियानी आधारित स्थानीय लाना चाहती है, स्थानीय नियोजन नीति लाना चाहती है, तो सबसे पहले आपको हमें भी 1908 अनुसूची जैसे SPT बिल्कुल रूल जैसे तमाम पेशा कानून जैसे और भी चीज़ें हैं, ये सबको बारीकी से समझने और देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे झारखंड के अंदर में इससे बड़ा और कावच हो ही नहीं सकता। भले आप लाखों कमेटी का गठन कीजिए, लाखों पार्टियों का गठन कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर से कोई बड़ा जज नहीं, कोई बड़ा वकील नहीं। ये चीज़ हमें समझने और देखने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ज़मीन की कावच 1908 है, और 1908 को जिस तरह से 26 बार आपको जान करके ये हैरान होगी कि 26 बार ये बदलने की कोशिश की गई, संशोधन करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक झारखंड अलग होने को 21 साल हो गया है, भारत अलग होने को 75 साल हो गया है, लेकिन आज तक 1908 को किसी ने संशोधन नहीं कर सका। इतनी बड़ी ताकत है अंग्रेजों की पहचान, जिसे हम विरासत कहें या फिर तोहफा कहें, जिसे आप मानते हैं उसे ही मानिए, क्योंकि हमारे जमीन विवादों को झारखंड के अंदर में अगर सुलझना चाहते हैं, झारखंड की लोगों की खतियानी लोगों के साथ अगर आप विवादों को अगर सुलझाना चाहते हैं, तो 1908 अनुसूची जैसे तमाम चीज़ों को हमारे झारखंड के अंदर में बारीकी से स्थापित करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात अगर स्थापित नहीं होगी या फिर लोगों के प्रति अगर आप जागरूक नहीं फैलाएंगे, तो कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर में फिर से 75 साल पीछे चली जाएगी, और 75 साल अगले 75 साल तक में हमारे झारखंडियों को लूटने का काम करेगी दलालों के हाथों से। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे राजधानी के अंदर में, रांची के अंदर में कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ों को हनन की जाती है, ऐसा चीज़ों को नज़रअंदाज की जाती है। इसका परिणाम हमारे झारखंड के लोगों की कमियाजना भुगतना पड़ा, हमारे झारखंड के लोगों को इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए मैं तमाम हमारे खतियानी झारखंडी पार्टियों से मैं विनती करता हूं कि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही हमारी झारखंडी होने की पहचान है, और यही हमारी जमीन विवादों से सुलझाने में हमारी मददगार साबित हो सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगे हमारी उभरता झारखंड में, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से मैं अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।